तो ये मार्जिन हमने क्रिएट कर दी है कि भाई ये मार्जिन हो, कि भाई ये फ्रॉम, ये हमने लास्ट में भी देखा था कि मार्जिन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अच्छा, मार्जिन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं क्लॉकवाइज, के भाई टॉप से इसका 10 हो, राइट से 0 मार्जिन हो, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी 0 मार्जिन हो। अच्छा, लेफ्ट से अगर ये 0 मार्जिन दे रहा है तो इमेज मेरे जहाँ तक ख्याल है पूरी नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमारे पास, अगर हम इसका लेफ्ट मार्जिन 50 कर दें, सर अगर पिक्चर को छोटा कर लें, आप छोटा कर सकते हैं। आप या तो कोई स्मॉल पिक्चर ले लें, या फिर आप एक काम करें कि इसका भी एक तरीका होता है, वो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इमेज का साइज़ भी इसके अंदर भी छोटा हो सकता है। फिर अभी आप इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप कोई इमेज के तौर पे देना चाह रहे हैं इसकी लिस्ट की, जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट की जैसे बुलेट्स आ रही थी, वो कोई इमेज देना चाह रहे हैं, तो वो उसको देने का तरीका ये है कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट दें और उसके लिस्ट स्टाइल इमेज जो है ना उसका यूआरएल दे दें, और जहाँ पे भी आपकी इमेज रखी है वहाँ दे दें। इमेज कहीं और से भी आप अगर ले रहे हैं, कहीं किसी और वहाँ पर भी है जगह पे, तो वहाँ का आप यूआरएल यहाँ पर दे दें, आपके इस यूआरएल के अंदर सिर्फ नाम ना दें, वहाँ का भी यूआरएल आप दे सकते हैं, तो वो भी वहाँ से इमेज उठा लेगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये मार्जिन वगैरह दे दी इसको, ठीक है, और इमेज का जो साइज़ है वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये किस तरीके से, हाँ वो तो विड्थ एंड हाइट कर सर लेंगे। डेव क्रिएट करके छोटा कर सकते हैं। इसका एक डिफरेंट तरीका है, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। खैर, अभी इसको आप यहीं तक रखें, फिर मैं आपको इसका जो तरीका, असल तरीका है ना जो प्रोफेशनल, वो बताता हूँ कि ये किस तरीके से होती है। कोई वैसे जुगाड़ से तो हम वैसे कर भी लेंगे सर, लेकिन एक जो प्रोफेशनल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होती है। खैर, अच्छा, ये जस्ट स्टाइल इमेज रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अच्छा, ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन को हम देखते हैं, एक हम ब्रेक ले लेते हैं 20 मिनट्स का, उसके बाद हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लें, आप लोग की लैब भी मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरे ख्याल से लैब अपलोड नहीं हुई ब्रेक के बीच में, आप लोग लैब भी डाउनलोड कर लें और जो फ्रेश होना चाहता है वो फ्रेश हो जाए।
ये लैब्स आप लोगों की मैंने जो है ना LMS के ऊपर भी और GCR दोनों के ऊपर अपलोड कर दिए। अब आप लोग एक ब्रेक ले लें, उसमें चाहें तो लैब को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है, और जो थोड़ा ब्रेक लेना चाहे वो ब्रेक ले लें। 20 मिनट्स का आपका ब्रेक है, 10:20 पे हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अच्छा ये सवाल है कि क्या सवाल है सर, यूनी कब से खुल रही है? तो यूनी जो है ना वो जब खुल रही होगी आप लोगों को यूनिफॉर्म यूनी जो है वो इन्फॉर्म कर देगी कि कब से खुल रही है। वैसे मिड टर्म जो है तब तक तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, ये तो पक्का है कि मिड टर्म्स तक तो ऑनलाइन क्लासेस हैं। उसके बाद क्या होता है वो आप लोगों को फिर यूनी जो है इन्फॉर्म करेगी। पॉसिबल है कि खुल जाए, पॉसिबल है कि ना खुले, तो ये आप लोग देख लें। जो अभी ज्वाइन रहना चाहता है ज्वाइन रहे, डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। आप 20 मिनट्स का ब्रेक है, 10:20 से, लेकिन अगर जो भी डिस्कनेक्ट करे वो 10:20 से पहले ज्वाइन कर ले, ठीक है, फिर हम दोबारा इसको लैब को कंटिन्यू कर लेंगे। मेरे टास्क चेक कर लें। क्या हुआ दिन टास्क चेक कर लें, सर वो LMS पे सबमिट हुआ हुआ है। कौन सी लैब नंबर 4? जी सर। जिनके लग गए होते हैं मार्क्स वो तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जिनके नहीं भी लगे क्लासरूम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्लासरूम पे अपलोड नहीं की थी लेकिन LMS पे ऑन टाइम उन्होंने सबमिट कर दी थी, तो वो टेंशन ना लें। जिस जब भी LMS के ऊपर आपके मार्क्स अपलोड ये GCR वाले मार्क्स अपलोड होंगे तो उसी के साथ आप लोगों के LMS वाले मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लें। वो थोड़ी देर से हो जाएंगे लेकिन हो जाएंगे। अगर आपने ऑन टाइम किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी सबमिट किया हुआ है तो बस फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग कब अपलोड होगी? बेटा जब क्लास ख़त्म होगी तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। क्लास के बीच में से तो मैं नहीं कर सकता ना। अच्छा, ब्रेक कब तक है? 10:20 तक की आपकी ब्रेक है, 10:20 के ऊपर आप दोबारा आ जाएं, ठीक है। ओके सर, ठीक है।
अच्छा जी, आप लोग सारे जो है ना दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम 3 मिनट रह गया, तो